मैं ठीक हो गया। हाँ, इतना उछल कूद करने की जरूरत नहीं है, इतना भी ठीक नहीं हुआ है तो बैठ। जय, देखो ना दीपक ठीक हो गया है। दीपक आ गया, दीपक आ गया। अरे वाह वाह वाह, देखो देखो सब लोग देखो, दीपक आ गया। मेरे भाई, मेरे भाई, ठीक हो गया। तू तो अपने दोनों पैरों पर खड़ा है, देख ना। बस बस बस, ये बात बहुत अच्छी होगी, जिसके लिए इसने जान जोखिम में डाली थी उसी ने उसको ठीक कर दिया। जाओ अभी खाना खाना है ना, तो हाथ पैर धो के आ जाओ। ठीक है बाबा। क्या हुआ, आप लोग दीपक को देख के खुश नहीं हो? अरे दीपक आ गया। वाह दीपक वाह। अरे वाह, क्या बात है दीपक, तुम आ गए। अरे दीपक बेटा, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरे भाई, मेरे घर में आते ही मातम क्यों छा गया, ऐसा क्या हुआ भी? क्या बताऊं, क्या बताऊं, ये समझ के हम सब मर गए हैं, दी एंड आ गया हम सबका। क्या बात कर रहा है, हुआ क्या है बताना। सुधाकर के हाथ में गाड़ी दिख रहा है। हाँ, किसी स्टूडेंट से लिए, उस कार में कैमरा है और उस कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। भाई क्या डरा रहा है मेरे भाई, ये कार तो आश्रम में भी थी, इस कार के सामने मैं दीपक से ज्ञान चंद बना हूँ क्या? पूरा ठीक हो गया तू? पूरा एकदम एकदम, ऊपर से नीचे सब। चलो बेटे, खाना खाना है ना, बातें तो बाद में होती रहेगी। वैसे भी खाना खाते समय बातें नहीं करते, और कल वो प्रगति आ जाएगी तो इसका जो कार्ड है उसके कंप्यूटर में डाल के प्रवचन भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे। आ जाओ बेटे, बैठो, खाना खाओ। बातें नहीं सिर्फ लाते पड़ेंगी। मेरे भाई कुछ कर वरना बहुत बुरा फंसेंगे, सारा गेम ओवर हो जाएगा, प्लीज कुछ कर। हमारे सारे के सारे राज उस एक गाड़ी में बंद है, लोगों के पापों से घड़ा भरता है, हमारे पापों से पूरी की पूरी गाड़ी भर गई है। सही बोल रही लिए, सही बोल रही लिए केके। जय भाई, हम लोगों ने ना कार के सामने इतना भर भर के सच बोलेला है ना, कि वो जब पगड़ी वाले अंकल कल देखेंगे ना तो अपन सबकी मौत है। हाँ, सबकी मौत है। अरे तू बता रहे लिए या डरा रहे लिए? बता रहे लिए अंकल, बताई रहे लिए। सुना बेटा, कुछ करो, कुछ करो जय भाई, कुछ करो, नहीं तो अपन सबकी वाट है जय भाई। अरे मैं क्या करूं, मैं कोई टाइम मशीन हूं क्या, ये भूतकाल में जाके सारे पाप को मिटा दूं? पहले ही कह रहा था तुम सबको, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, चौकन्ने रहो। हो गया ना अब? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। काय की? गुड्डी और डुग्गू की। ये दोनों कौन है? जय के बच्चे। जय, तू इतना आगे निकल गया? अरे मैं अभी तक कवारा हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए जय, शर्म आनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स दीपक, तुम ना कुछ भी सोचते हो। समझ में नहीं आया तुम्हें, मिस माल पानी कह रही है जय के होने वाले बच्चे जो फ्यूचर में होंगे। अच्छा वैसा है। मालपानी जी, आप भी मेरी तरह सपने देखने लगी क्या? मिस्टर दीपक, मैं तेरी तरह इम्पॉसिबल सपने नहीं देखती। इसका मतलब मेरी शादी इम्पॉसिबल है? क्या ये तुम लोग एक दूसरे को कैसे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ काला कांडी चल रही है? ए जय, मुझे बताना ए भाई, क्या चल रहा है मेरे को बोल भाई। अरे कहां से कहां जा रहे हो यार, सबके सब जरा रुक जाओ यार, एक सेकंड के लिए रुक जाओ प्लीज। मिस मालपानी, मेरे बच्चों के बारे में छोड़ो, मेरी शादी बचानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और मेरी शादी, मेरी शादी ए उतावले दूल्हे, शांत रहना जरा। जय भाई, मैं क्या बोल रही थी? बोल बोल उर्मिला, तू बोल, एक तू ही है जो काम की बात कर रही है, बोल क्या बोल रही थी? अपन ना वो गाड़ी चुरा लेते, क्या बोलते हो? उर्मिला मेरी बहन, वो गाड़ी किसके पास है? सुधाकर।
और सुधाकर से कोई भी चीज छीननी ना आसान नहीं है। आसान काम तो हम लोग करते नहीं है। गर्ल्स, गेट अप, कम हियर। आज रात को जाके हम लोग गाड़ी चुरा लेंगे। सुधाकर, आ रहे हम तीनों तेरी बॉट लगाने। Yes, yes, yes. Yes. उर्मिला, ये सुधाकर सो रहा है क्या? नहीं, वैनिला है वो। पागल है क्या? दिखता नहीं सो रहा है? तेरे को दिखता नहीं है क्या वो सो रहा है? पूछ क्यों रही है फालतू सवाल? बेवड़ी। हमें सुधाकर को नहीं चुराना, हमें गाड़ी चुरानी है। अरे पता है मेरे को कि गाड़ी चुरानी है, लेकिन वो देखना गाड़ी को कैसे चिंगम की तरह चिपका के रखे है, कैसे चुराएंगे अपन लोग? हाँ यार, चिंगम को ऐसे उठाओ और हटाओ और गाड़ी चुरा लो। नहीं, हम सबको मिलके इसको छुड़वाना पड़ेगा। तो वो भी वही बोल रही है ना? हाँ, एक एक करके जाएंगे। पहले ही मैं जाती हूँ। थैंक यू। मैं अंदर आ जाऊं? अरे प्रगति बड़ा। नमस्ते काका। नमस्ते नमस्ते। आयुष्मान बाबा, कैसे हैं तू? मैं ठीक हूँ, आप? मजे में। ओ, मैंने सबको घर वालों को बोला वर? हाँ, तुम्हारे वो कैमरा वाले गाड़ी के बारे में और तुम्हारे बारे में। अब सब लोग तुम्हें मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये बाड़ा, ये ये ये। अरे प्रेमचंद जी, जय बेटा, जया, सुषमा, उर्मिला, अरे आ जाओ सब लोग, आ जाओ। प्रेमचंद जी, जी ये है प्रगति सोन टक्के। आ गई मुसीबत की माँ। उसके बाजू में जो खड़ा है वो मुसीबत का बाप है। कैसी आई इस प्रगति? मैं अच्छी हूँ दीदी। वो जो कैमरा वाली गाड़ी बनाई थी ना, मैंने कल बोला वो इसी ने बनाई थी जी। आपने बताया? बताया। जाओ बेटी, जाओ आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। वाह बेटा वाह, इतनी कम उम्र में तुमने कितनी सारी प्रगति कर ली है। ये बच्ची तो भी बहुत छोटी है डैड, ये तो बहुत जिएगी, मरेंगे तो हम लोग। काका मेरी गाड़ी कहाँ है? सुधाकर के पास है। देख बेटा, अरे सुधाकर, वो कैमरा वाली गाड़ी लेके आ जाओ। आया काका। आ रहा, आ रहा। अरे प्रगति जी भैया, यही है वो प्रगति। प्रगति जिसके बारे में लोखंडे जी ने हमें कल बताया था, और अभी भी लोखंडे जी ने हमें वही बताया है। सुधाकर जी, आ गया जले पे नमक छिड़कना। प्रगति ये देखो, शाकू मौसी को एकदम संभाल के रखा है मैंने। ये मेरी शाकू मौसी जैसी है, इधर उधर की सब खबर रखती है ये, तो इसका नाम रख दिया। जाना है मधुपुर के, सबके साथ रिश्ता जोड़ लेता है। काका, कल रात को मुझे सपना आया। अच्छा? मुझसे कोई शाकू मौसी को छीन रहा है, तो मैंने सपने में 2-3 लात और 2-3 ऐसा फैट मार दी उनको, और शाकू मौसी को बचा लिया। इसका मतलब है इसको पता था कि ये मुझे मार रहा है। I'm not gonna leave him, I'm gonna kill him. 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 I'm gonna k
मुझे भी तो लात पड़ी है। मैं चुप करके बैठी हूँ, चुप रहा हूँ। गल मेरा ना सच में मन करता है कि सुधाकर को ना मैं एक कमान के नीचे बजा के दूँ और इसका ना थोपड़ा ही तोड़ डालूँ मैं। और ना इस बार मैं ऐसे सपने में नहीं, सच्ची में इसका मुंह तोड़ेगी, मैं देख लेना तू। बस बस तू बस बोलती है। अच्छा प्रगति, ये 3-4 दिनों में ना शाकू मौसी ने काफी कुछ देखा है, तो वो सब कैसे देख सकते हैं? और गैंचन जी का प्रवचन भी उसी में है। अरे इसे टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ। मेरी मदद कीजिए। हाँ चलो चलो। क्या कर रही है? भगवान का नाम ले रही हो तुम भी लो। कौन से भगवान का? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं मैं किसी और भगवान को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। भगवान को याद करो ऐसी कभी। हे शाकू मौसी, किधर चली गई थी तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ये तबला के पीछे, इधर आ, इधर आ, ये देख, ये खटिया के नीचे भी तेरे को ढूंढा था मैंने, इधर भी नहीं थी तू, और ड्रम के अंदर ढूंढा, पूरे के पूरे घर में तुझे ढूंढ के आया, तूने तो पूरा घर देखा है ना, इसके लिए किधर भी छुप जाती है, शाकू मौसी, ऐसा नहीं करने का, बाहर भी, गली पे, नुक्कड़ पर, हर जगह ढूंढा, किधर चली गई थी, मैं परेशान हो गया था। जाने का नहीं, तू तो अच्छी वाली शाकू मौसी है ना, अभी मेरे पास रहना, मेरे साथ रहना। अभी प्रेमचंद जी आएंगे, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी। मौसी इधर आ। मौसी अभी ना मैं नाचूंगा, अब तू मेरे को बता ना मैं कैसे नाचता हूँ, बताइएगी ना, अभी पीछे जा। अपना पोल खोलेगा ना तो लोग खंडे जी मारेंगे और ये ऐसे ही नाचेगा जिंग जिंग जिकाट। ला 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 ला। ये मौसी इधर आ ना। मौसी मेरी भी उम्र हो गई है ना, और मुझे लगता है मैं खूबसूरत भी दिखने लगा हूँ ज्यादा, है कि नहीं? मुझे भी ना शादी करने का मन हो रहा है, तो मेरे लिए तू एक मस्त ऐसी गोरी गोरी पान फूल सर की छान एक भाई को ढूंढना। तू ढूंढ सकती है ना, इधर देख देख के रिकॉर्डिंग करके, है ना, मुझे जो भी पसंद आएगी ना मैं बोल दूंगा काका को, मेरी शादी करवा देंगे। ससुर जी बूढ़ी जय के। ससुर जी रिमोट ये टेबल पे वो बंद। मालूम है जय? मालूम है उनको क्या है? खड़े हो जा। इस बेचारे ने दिन रात एक करके अपने ज्ञान और सामर्थ्य से ये कैमरा वाली गाड़ी बनाई है और इसका अच्छे काम के लिए इस्तेमाल भी होने वाला है। तुमने इस चीज को मजाक बना के रखा है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन काका मैंने इसमें कुछ उठक बैठक लगा। इट्स ओके काका। प्रगति बेटा सुधाकर को माफ कर दो, वैसे तुम्हारा आविष्कार बहुत ही अच्छा है। ऑल द बेस्ट बेटा। हाँ हाँ प्रगति, हमें तो बहुत गर्व है तुम पर। और मुझे तो जया ने बताया कि तुम ये कल चीफ मिनिस्टर जी के सामने प्रेजेंट भी करने वाली हो ना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हाँ ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। देखो सबके आशीर्वाद मिल रहे हैं तुम्हें, यशस्वी भव बेटी। चलो मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देता हूँ।
चल। कमाल हो गया, कमाल नहीं धमाल हो गया, बच गया। ये हुआ कैसे? चलते 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 दरवाजा बंद, दरवाजा। पता नहीं जय ने हमें यहाँ क्यों बुलाया। जय 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 दीपक। अरे अपने कमरे में नहीं है जय। देखा हम लोगों को कैसे बुलाया ना, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, खुद गायब हो गया। अगर ऐसे मैं गायब हूँ तो प्लीज हो जाइए गायब, कम से कम हमारा कुछ तो भला होगा। जय शराब के दीपक स्टूपिड तिजोरी उठा के ना ऐसे कैसे तेरे को नीचे फेंक दूंगी। नजदीक आप हो, चुप रहो यार। एक तो ऐसे ही बोला है जय भाई ने और अभी तुम लोग ऐसे। चल छोड़, सबको रोक सबको रोक सबको रोक। सब लोग स्थान ग्रहण कीजिए, जय कारा हो। तू चलती है पेट्रोल पर और मैं चलती हूँ इस पेट्रोल पर, मेरी वोडका। अपन दोनों का भाई बहन का रिश्ता झूठा ही से हा? वो पगड़ी वाले अंकल को दिखाने के लिए अपन ये सब कर रहे हैं। वेरी गुड, उसको जाके स्टोरेज रूम में रख दो। यही सच है बाबा, अभी अभी आपने जो कुछ देखा ये सब सच है और ये है हमारी असलियत। अब मेरा घर तो उजड़ ही गया है, आप उसका ऐलान सबके सामने कर ही दीजिए। बहुत हो गया जय धोखेबाज, अब मैं और मेरी बेटी जया यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। बुलाओ सबको। देख इनके चेहरे देख। अंकल ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखो ये कैसे निकला हुआ ऐसे। ये सब देखा था, कोई घटना है क्या अंकल? अंकल क्या हंस रहे हो आप, और ये क्या मजाक है जय यार, तुझे पता है कितना डर गया था मैं, डर के मारे मेरी जान गले में अटक गई थी। ऐसा मत क्या कर मेरे भाई। अंकल प्लीज ये मजाक मत क्या करो प्लीज। हाँ नहीं तो ऐसा कोई मजाक करता है क्या, कैसा होता है क्या जय भाई? और नहीं तो क्या जय, हम सबको तुमने कितना डरा दिया, और ये सब क्या है? हाँ? तुम लोगों के लिए था ये रियलिटी चेक था तुम सबके लिए। हाँ? अगर हमारा असली वीडियो गरीब घर में चल गया होता ना तो एग्जैक्टली ऐसा ही रिएक्शन होता। पर वो वीडियो जो गरीब घर में नहीं चला वो कहाँ है? तुम सबको याद है उस रात तुम सब ने सुधाकर के हाथ से गाड़ी चुराने की कोशिश की। हाँ? तुम सब ने हार मानी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं वहां पहुंचा और मैंने देखा सुधाकर ने गाड़ी कस के पकड़ी हुई, और फिर मैंने एक फिशिंग रॉड लिया और उससे एक चुंबक बांधकर सुधाकर की पकड़ से गाड़ी छुड़ा ली। फिर तुरंत अपना लैपटॉप खोला और सारा फुटेज देखा। तुम लोगों ने उस फुटेज में हमारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। मैंने जल्दी जल्दी हमारा फुटेज कट किया, उसे लैपटॉप में पेस्ट किया और बाकी सुधाकर का सारा फुटेज वैसे के वैसे छोड़ दिया। और गाड़ी फिर से उसके हाथों में ऐसे के ऐसे रख दी। बात है वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये टेंशन की तलवार हमारे सर पे क्यों लटका के रखी थी भाई? जय हम सबको ये बताना चाहता था कि हम लोग बारूद के एक ढेर पर बैठे हुए हैं।
और किसी ने भी जलती हुई एक तीली अगर उस पर फेंकी ना तो ऐसा धमाका होगा ना कि मेरा घर मेरी लाइफ दोनों बर्बाद हो जाएंगे। देख देख सॉरी भाई सॉरी अंकल। अपने दिमाग का कोई भी प्लान मुझसे पूछे बिना तू आजमाना मत मेरे भाई। हाँ इस बार भी मैंने तुझसे कहा था कि धीरे धीरे प्यार को आगे बढ़ाना, तू सीधे ही हद से गुजर गया। क्या हुआ फटी नोट की तरह वापस आ गया? भाई तेरी शादी मैं सुषमा से करवाऊंगा मतलब करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा सबर रख, तुझे मीठा फल खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। वैसे फल से मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया है, आज सुषमा का उपवास है तो क्यों ना मैं नकली फल वाला बन के जाऊं और उसे फ्री में फल देके प्रपोज करूं। हां मारो जी पक, तू तो आज गया इधर रात, तू इधर मारो अंकल मारो उसको, पकड़ पकड़ पकड़। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।